मेरा नाम आनंद चिट्टी है और पिछले 18 साल से मैं स्नेक रेस्क्यूअर का काम करता हूँ। इतना असणार ते लूज व्हायला पाहिजे आणि तिकडे जायचं आणि आणि होण्याचा प्रॉब्लेम येतोय। हा दगड़ा बुड़ी अंदर हे तोंडा हा मोटा दगड़ा बुड़ी बारकेस नागा हमें इसको हल्का सा लगा है। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूरी पर हूँ, खेती पूरी है, छोटा सा फार्महाउस गोपाल जी बिरजे इकड़ा मंडला रह सकेगी गोपाल जी बिरजे उन्होंने बनाया है। हालांकि हमारे वो मार्गदर्शक है और काफ़ी सालों से हम काम करते रहते, मैं यहाँ से आता जाता रहता हूँ तो अक्सर अपने परिवार के साथ यहाँ पर वो समाधान के लिए खुशी के लिए यहाँ पर आते हैं और सांप भी ऐसे आए होंगे क्योंकि ये सब थोड़ा सा उन्होंने बनाया है, उसके लिए पत्थर वगैरह बिछा के थोड़ा सा ये कर रहे थे तो उसमें आके आराम से बैठा, क्योंकि खेती पूरी ओपन है तो सांपों को जीवन छुपा रहने के लिए ये प्रॉब्लम आता है। बहुत ही बड़ा सांप लेकिन हल्की सी चोट लगी, जिससे भी मैं 90% सांप नहीं बचते हैं लेकिन इतना सिर्फ सामान देखने के बाद हम निकाल सकते थे। और मैं दूसरे कॉल पर भी जा रहा हूँ कि ऑन द वे था, मैं जल्दी आया लेकिन इसी भी थी नहीं तो उसका प्रॉब्लम आता था और अच्छा भी हुआ। आपको अगर यह लगेगा कि ये इसको थोड़ा सा लगा है लेकिन इतने होने के बाद भी वो बचा, क्योंकि जिससे बहुत मुश्किल होता है सांपों को बचाना, इसको कुछ भी नहीं होगा और ये बच चुका है और उन्हीं के कारण। और ये किसी भी तो यंत्र ऐसा रहता है कि उसको खतरा हो सकता है। आपके आस पड़ोस में सामान है क्या है, जगह खाली है वहाँ पर सांप आके कहीं पर बैठते दवा लगाने के बाद ही छोड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उसको बंद करते हैं। ये बहुत ही हेल्दी सांप है लेकिन थोड़ी सी चोट लगी है और एक साफ बोल रहे इधर है क्या, इधर है पहले पकड़ा लगभग 5 साल का था, ये तकरीबन 3.5 साल की उम्र का आराम से हो सकता है। ये सिर्फ केंचुली निकली है, वो थोड़ा सा ज़्यादा जख्मी है। अच्छा हुआ कि जिन्होंने कैमरा पकड़ा उसको जल्दी देखा, ये तो आउट कंट्री होता था तो ये भी नाग निकला। इस तरह से सांप एक दूसरे के साथ रहते हैं और हम कहते हैं सांप सबको खाता, लेकिन
जब उनको खाने को नहीं मिलता, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको चूहे को ही देता है, चूहे ज्यादा खाते हैं, और जगह छुपने को वहाँ पर अलग अलग जाति के भी सांप रह सकते हैं, जैसे कि आपने देखा ये वो भी नाग था और ये भी नाग ही है, आसानी से मिला ऐसा कहना पड़ेगा। और ये दूसरा नाग हो गया इधर, अभी देखते हैं और भी है क्या। ये थोड़ा सा केंचुली निकलने को है, इसके आंखों पर पर्दा सा जम चुका है और मिट्टी लगने के कारण उसको अंदर जाने को भी तकलीफ है। बंद करो से चलेगा।